नमस्कार, इवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देशभर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा आजादी का महापर्व। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया तिरंगा। लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री धामी ने झंडारोहण कर वीर शहीदों को किया याद। शहीदों के सपने का भारत बनाने का लिया संकल्प। राज्यपाल बेबी मौर्य ने राजभवन ग्राउंड में फहराया झंडा। उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष समेत प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने जिलों में फहराया तिरंगा। अल्मोड़ा में मंत्री बिशन सिंह चौपाल, तो रुद्रपुर में मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने, तो वहीं बागेश्वर में मंत्री रेखा आर्य ने किया झंडारोहण। उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया सम्मानित। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में झंडारोहण कार्यक्रम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया ध्वजारोहण। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी रहे उपस्थित। उत्तराखंड के गिच्छा में संयुक्त किसान मोर्चा की जनसभा। राकेश टिकैत ने साधा केंद्र सरकार पर हमला। कहा जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जश्न आजादी की। भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अमृत महोत्सव की थीम पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ आजादी के पर्व की धूम है। इस दौरान हर ओर देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इधर देश की राजधानी दिल्ली में आजादी के पर्व का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर लाल किले में प्राचीर से एक बार फिर से पीएम मोदी ने हिंद के झंडे को फहराया, जिसके बाद पीएम मोदी ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित भी किया। लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह समेत सभी को देश आज याद कर रहा है। पीएम ने कोरोना काल में देश की सेवाओं के लिए डॉक्टर्स तथा वैज्ञानिकों का भी आभार जाहिर किया। साथ ही उन्होंने ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को बधाई दी। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए, तो वहीं पूरा दिल्ली अभेद किले में तब्दील नजर आया। उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राजभवन ग्राउंड में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। साथ ही प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई उन्होंने दी। इस अवसर पर उन्होंने अमर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में
पदार्पण जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। मैं अपनी तरफ से उत्तराखंड के सभी बहन भाइयों के इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। उन सब ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन, उन वीरांगनाओं को नमन, उत्तराखंड के हमारे सभी जो देश के लिए कुर्बान हुए, देश की आन बान शान के लिए कुर्बान हुए, उन सबको नमन करते हुए मैं सादर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों को भी नमन किया, साथ ही उनकी कुर्बानी से प्रेरणा लेकर उनके सपने का भारत बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, साथ ही प्रदेश की तरक्की की कामना भी की। सभी प्रदेशवासियों को अमृत महोत्सव, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम सब मना रहे हैं, उसकी सभी प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। तो वही उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने देहरादून सचिवालय में उच्चस्थ अधीनस्थ कार्मिकों तथा अन्य नागरिकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। तो वही देश की आजादी के लिए सर्वस्व नौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसके तहत प्रभारी मंत्री बिशन सिंह शुफाल और जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय में झंडारोहण कर सभी लोगों को आजादी के इस महापर्व की शुभकामनाएं दी, साथ ही देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद किया। पंद्रह अगस्त इस राष्ट्रीय पर्व पर आप सबको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक, सामाजिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में देश आगे बढ़ता गया। इस कोविड महामारी के बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम जो संदेश दिया था कि देश आत्मनिर्भर और अपने देश अपने पांव पर खड़ा रहे, आज़ादी की वेदी पर अपने प्राण निछावर के सैकड़ों वर्ष की दास्ता को हटा करके देश को आज़ाद किया, उन महान सुंदर संग्राम सेनानी को आज याद करने का दिन होता है। यह आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली, यह आज़ादी वीरों के शौर्य से मिली है, वीरांगना में सत्य से मिली है और शहीदों के रक्त से मिली है। आज़ादी को पाने के लिए आज़ादी का जो संग्राम हुआ था 1957 से लेकर आज़ादी तक, देश के अनेक महापुरुष ने आहुति दी है, बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, देश को अपने लहू से छींचा है और आज उनकी गाथाओं को देश के कोने कोने में हम गा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले वीर सपूतों को नमन करते हुए उनकी शहादत को याद किया। इस दौरान रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी वहां पर उपस्थित रहे। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, ज्ञात अज्ञात तमाम उन लोगों को प्रणाम कर रहा हूँ जिनके कारण हमारा देश आज़ादी के दौर पे है, आज़ादी जिनसे प्राप्त हुई। और बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज हम सभी लोग मतभेद और मनभेद भुला के प्रदेशवासी हैं तो प्रदेश के विकास के लिए, देशवासी हैं तो हम तमाम देशवासी देश की विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग आगे बढ़ें।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ रुद्रपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सभी सरकारी अर्ध सरकारी तथा निजी कार्यालयों व संस्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इसी कड़ी में प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद तथा जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने जिलाधिकारी कार्यालय में झंडारोहण किया और कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। साथ ही आज देश में कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। देश विकास की ओर अग्रसर है तो वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी मेडल्स व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पंद्रह अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और जनता से अपील करता हूं, हम सब ने मिलकर क्रांतिकारियों ने जिस लिए इस देश को आजाद करवाया, अपना बलिदान दिया है, फांसियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, उनके सपनों का भारत आप हम सबको मिलकर बनाना है। और मैं उत्तराखंड के वासियों से कहना चाहता हूँ, इस उत्तराखंड का निर्माण जो हमारी माताओं बहनों ने संघर्ष के बल पर इसका करवाया है, उनके सपनों का उत्तराखंड भी बनाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हमारी सरकार के ऊपर है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न पूरे देश भर के साथ ही अल्मोड़ा में भी धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान ध्वजारोहण किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण करने के बाद आजादी के वीर सेनानियों को याद किया गया, जिसके बाद HNB स्टेडियम में पहली बार सामूहिक राष्ट्रगान का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री व अल्मोड़ा प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चूफाल, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान समेत जिले के तमाम अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जो सपना था उत्तराखंड राज्य का, यहाँ का विकास होगा, प्लान रुकेगा, उसको लेकर सरकार ने बहुत काम किया, पिछली सरकारों ने भी और वर्तमान सरकार भी इसके लिए काम कर रही है कि लोगों को स्वरोजगार मिले, लोग स्वरोजगार के माध्यम से लोगों का यहाँ पर प्लान रुकेगा। प्लान रोकने के लिए सबसे पहले हमारी जो योजना है कि जो गाँव का विकास होगा, गाँव के जो कृषक है, गाँव के लोगों की आमदनी बढ़े। खबर अब बागेश्वर से, जहां कैबिनेट में जिले में प्रभारी मंत्री रेखारी ने ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में झंडारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता और समानता को बनाए रखते हुए भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस दौरान मंत्री रेखारी ने शहीदों को नमन करते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए सभी से अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी निर्वहन करने की अपील की। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गुदियाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने पार्टी मुख्यालय में झंडारोहण किया। इस दौरान शहीद स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन भी किया। तो वहीं पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी ने राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है और हम सभी राष्ट्र के निर्माण में कार्य करेंगे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भी सभी देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मौके पर हम सब हमारे राष्ट्र की आजादी के लिए जिन वीर शहीदों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी को नमन करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि हम राष्ट्र की बेहतरी के लिए और प्रदेश की बेहतरी के लिए संकल्पित होकर एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और ये प्रेरणा हमें हमारे शहीदों से और हमारे आंदोलनकारियों से मिली है। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये आज़ादी जिस तरीके से हमने हासिल की है, आज देश और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है
वो इस आज़ादी को अक्षुण बनाए रखने का काम करे। आज हालात जो है वो बहुत ही गंभीर है। जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है, संविधान को धत्ता बताने का काम किया जा रहा है, ऐसी विकट परिस्थितियों में निश्चित रूप से देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि ऐसी ताकतों से लड़ने का काम करे। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कुठियाल ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया। तो वहीं इस मौके पर यूथ फाउंडेशन के कई कार्यकर्ता और पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। पिछहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर हरिद्वार रुड़के विकास प्राधिकरण में ध्वजारोहण किया गया और उसके उपरांत प्राधिकरण की संयुक्त सचिव अपूर्वा पांडे ने एप्रो ग्लोबल के सहयोग से पौधारोपण किया। इस दौरान उपजिला अधिकारी अपूर्वा पांडे ने जानकारी दी कि एचआरडीए तथा एप्रो के सहयोग से 1000 पेड़ों का पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है और आने वाले समय में इस पौधारोपण कार्यक्रम का असर पूरी रुड़की और कावट पटरी पर नजर आएगा। एप्रो के सहयोग से एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत आज की गई है। इसमें 500 से 1000 पेड़ों का पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें एप्रो के जो अजय जैन जी हैं, अभिलाषा जी हैं और चौहान जी हैं, इन सबके विशेष सहयोग से इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आशा है कि आने वाले वर्षों में इस वृक्षारोपण का असर इस पूरी पटरी पर भी और रुड़की शहर में भी इन जनरल देखने को मिले। हमारे एप्रो ग्लोबल के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में हमने जो है ये इसकी शुरुआत की है, क्योंकि उनके महत्वाकांक्षी योजना रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो है ये गंग नहरी पटरी का सौंदर्यीकरण कार्य किया जाए। तो उस सौंदर्यीकरण कार्य के अंतर्गत हमने वृक्षारोपण कार्य को जो है चुना है। उस वृक्षारोपण कार्य के माध्यम से हमने एप्रो ग्लोबल का अपेक्षित से भी ऊपर सहयोग लिया है और सहयोग लेने के साथ ही आज हम इस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस चीज़ की है कि हम जो पेड़ लगा रहे हैं उसकी सुरक्षा को ही ध्यान में रख रहे हैं, खाली पेड़ लगा के फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के लालकुआ में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान 34वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल परिसर में सैनिकों ने परेड कर तिरंगे को सलामी दी। साथ ही आईटीबीपी कमांडेंट सुरेंद्र सिंह ने झंडारोहण कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैनिकों को अलंकृत करते हुए सम्मानित किया। झंडे को देखते हैं, जब भी देशभक्ति के गाने बजते हैं तो वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है सब कुछ भूल जाते हैं और जो भी उनको ड्यूटी दी जाती है उसको हंसते हंसते अंजाम देते हैं। कोई आज हमारे यहाँ पे दो जवान हैं, एक हेड कॉन्स्टेबल मुथु राजा है और एक कॉन्स्टेबल मनीष कुमार है, जिनको पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से आज के दिन नवाजा गया है। ये कर्मी छत्तीसगढ़ में तैनात थे, इन्होंने नक्सलियों के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन कार्य किया जिसके कारण इन दोनों को पुलिस मेडल को गैलेंट्री से नवाजा गया। अब खबर थराली से, जहां हितैषी संगठन की ओर से सामाजिक राजनीतिक पत्रकारिता सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सुना वार्ड देवी जोशी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में नगर क्षेत्र की सांस्कृतिक मंडली और नन्हे मुन्हे बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियां भी प्रदर्शित की गई। हितैषी संगठन का निर्माण हम लोगों ने आपस में, मैं कुंदन सिंह बेस रोधन नेगी, तीन चार लोगों ने बैठ के इसका पहले तो मनन किया कि समाज में कुछ हटके होना चाहिए। उसके बाद जब हमने सोचा उसके बाद संगठन के नाम के बाद एक नाम क्या रखा जाए, तो बहुत मनन, दो तीन महीने मनन करने के बाद इस संगठन का नाम नियुक्त किया गया हितैषी संगठन। और इसमें हमारे प्रेम भाई का भी बहुत सहयोग रहता है और इसमें हमने ये सोच के किया कि समाज में जो हित के काम हो, जो दबे कुचले लोग हों उनका हित किया जाए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर यहाँ पर एक चयन समिति बनाई थी जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान दिया है, उन्हीं सभी पदाधिकारियों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है और भविष्य में हितैषी संगठन का ये कार्यक्रम
होता रहेगा और भव्य रूप में हम इसको आगे संचालित करेंगे, ऐसी हमारी सबका विचार है और आप लोगों का विशेष हमें सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। खबर अब ग्वालदम से, जहां 15 अगस्त के अवसर पर कई संगठनों के द्वारा अलग अलग दो स्थानों पर ध्वजारोहण कर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 99 वर्षीय एक्स आर्मी काम सिंह गाड़िया के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसमें सभी ग्राम सभा के लोग शामिल हुए। आज हमारे ग्राम पंचायत ग्वालदम ने यहाँ पर निर्णय लिया कि जो स्वतंत्रता दिवस आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस का झंडा लहराया गया, यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत के वृद्ध 99 वर्षीय एक्स आर्मी से आदरणीय काम सिंह गड़िया जी द्वारा झंडा लहराया गया। खबर अब मंगलौर से, जहां देश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, इसी कड़ी में मंगलौर कोतवाली में भी पुलिसकर्मियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया और सीओ पंकज गैरोला ने झंडारोहण किया, साथ ही पुलिसकर्मियों को शपथ भी दिलाई गई। तो वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। पछवादुन क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पूरे इलाके में भारत माता के जयकारों से इलाका गुंजायमान हो उठा। भारत की आजादी की लड़ाई में गढ़वाल क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है। स्वाधीनता की लड़ाई में पहली कामयाबी कुलीबेगार प्रथा को समाप्त करने पर मिली, क्योंकि इसके जरिए अंग्रेजों को पहली बार भागने पर मजबूर होना पड़ा था। सावंतशाही और ब्रिटिश काल की जघन्य प्रथा, जिसे कि कुलीबेगार या फिर वरदायश प्रथा के नाम से जाना जाता था, तो वहीं पूरा कुमायूं और गढ़वाल इस गुलामी प्रथा से त्रस्त था। ऐसे में जनता के आंदोलन के आगे ब्रिटिश सरकार को इस प्रथा का अंत करना पड़ा। तो वहीं खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तार भेजकर इस जीत को स्वतंत्रता आंदोलन की पहली जीत बताया, जहां पर इस प्रथा के विरुद्ध जनता की आवाज बुलंद हुई। वो क्षेत्र अब रुद्रप्रयाग जनपद का हिस्सा है और आज भी बेगार प्रथा से जुड़ी निशानियां वहां उपस्थित है, जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों पर है। तो वहीं पर ककड़ोखाल गांव भारत की आजादी में बड़ी क्रांति का गवाह है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में राजशाही की थोपी भी प्रथा थी राजाओं की, और उसके तहत जब राजा के नुमाइंदे और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे जिन्होंने इसको अपनाया, इसी प्रथा को अपनाया, इसके तहत जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी जब टैक्स कलेक्शन, आज के हिसाब से टैक्स कलेक्शन के लिए गाँवों से गुजरते थे, तो उनकी रहने की व्यवस्था, उनको सामान ढोने की व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था सारी गांव की जिम्मेदारी होती थी और गांव के प्रत्येक परिवार को उसमें सहभागिता निभानी पड़ती थी। ये इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। सन 1921 में जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो उन्हीं दिनों गढ़वाल में अनुसूय प्रसाद बहुगुणा जी के नेतृत्व में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। यहाँ पे पी मैसन तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे कुमाऊं कमिश्नरी के, तो उनका दौरा था। अक्षय प्रसाद बहुगुणा जी को जब उनके दौरे लगी तो यहाँ पहुँचे, उन्होंने स्थानीय लोगों को एकत्रित करके और एक आंदोलन यहाँ पे चलाया और उस आंदोलन को एक सफल आंदोलन के रूप में गढ़वाल के इतिहास में देखा। यहाँ के लोगों ने जब मैंने उसका विरोध किया तो अन्य जगह के लोग भी, मैंने मैसेज ये गया कि अन्य लोगों के लोग भी लोग जागरूक हुए। उसके बाद पूरे उत्तरांचल माने यूपी में पूरे तब हर जगह माने एक दंगे फसाद शुरू हुए और उसके बाद माने अंग्रेज चले गए। फिर महात्मा गांधी जी ने बहुगुणा जी को एक माने तब तार होते थे, फोन की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने उनको बधाई दी कि आप लोगों ने जो काम हम नहीं कर पाए वो आप। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।